आज मैं आप सबके लिए एक कहानी लेकर आया हूँ। आप इस कहानी को पूरा सुने, हो सकता है ये कहानी आपकी जिंदगी को बदल देगी। तो कहानी इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा को उपहार में किसी ने बाज के दो बच्चे भेंट किए। वे बड़े ही अच्छी नस्ल के थे और राजा ने कभी इससे पहले इतने शानदार बाज नहीं देखे थे। राजा ने उनकी देखभाल के लिए एक अनुभवी आदमी को नियुक्त कर दिया। जब कुछ महीने बीत गए तो राजा ने बाजों को देखने का मन बनाया और उस जगह जा पहुंच गए जहां उन्होंने पाला जा रहा था। राजा ने देखा कि दोनों बाज काफी बड़े हो चुके थे और अब पहले से भी शानदार लग रहे थे। राजा ने बाजों की देखभाल कर रहे आदमी से कहा, मैं उनकी उड़ान देखना चाहता हूँ, तुम उन्हें उड़ने का इशारा करो। आदमी ने ऐसा ही किया। इशारा मिलते ही दोनों बाज उड़ान भरने लगे। पर जहाँ एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, वहीं दूसरा कुछ ऊपर जाकर वापस उसी डाल पर आकर बैठ गया जिससे वो उड़ा था। ये देख राजा को कुछ अजीब लगा। क्या बात है, जहाँ एक बाज इतनी ऊंचाई पर उड़ान भर रहा है, वहीं ये दूसरा बाज उड़ान भर ही नहीं रहा है। राजा ने सवाल किया। जी हुजूर, इस बाज के साथ शुरू से ही यही समस्या है, वो इस डाल को छोड़ता ही नहीं। राजा को दोनों ही बाज प्रिय थे और वो अपने दूसरे बाज को भी उसी तरह उड़ना या उड़ते देखना चाहते थे। अगले दिन पूरे राज में ऐलान करा दिया गया कि जो व्यक्ति इस बाज को ऊंचा उड़ने में कामयाब करेगा, उसे ढेरों इनाम दिया जाएगा। फिर क्या था, एक से एक विद्वान आए और बाज को उड़ाने का प्रयास करने लगे। पर हफ्तों बीत जाने के बाद भी बाज का वही हाल था। वो थोड़ा सा उड़ता और वापस उसी डाल पर आकर बैठ जाता। फिर एक दिन कुछ अनोखा हुआ। राजा ने देखा कि उसके दोनों बाज आसमान में उड़ रहे हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति का पता लगाने को कहा जिसने ये कारनामा कर दिखाया था। वह व्यक्ति एक किसान था। अगले दिन वो दरबार में हाजिर हुआ। उसे इनाम में स्वर्ण मुद्राएं भेंट करने के बाद राजा ने कहा, मैं तुम्हें बहुत प्रसन्न कर दिया, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। बस तुम इतना बताओ कि जो काम बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाए, वो तुमने कैसे कर दिखाया। मालिक, मैं तो एक साधारण सा किसान हूं, मैं ज्ञान की ज्यादा बातें नहीं जानता। मैंने तो बस वो पेड़ की डाल ही काट दी जिस पर बैठने का बाज आदि हो चुका था, और जब वो डाल ही नहीं रही तो वो भी अपने साथी के साथ ऊपर उड़ने लगा। जीवन में ऊपर उड़ने के लिए तमाम तरह के अवगुणों का डाल काटना अनिवार्य है। अपनी कमियों या कमजोरियों को दुरुस्त किए बगैर जीवन में ऊंचाई की कल्पना भी बेमानी है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपने में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों में उड़ान होती है, हौसलों में उड़ान होती है। थैंक्स।